महाराष्ट्र से हैं उल्हास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर। मैडम। नमस्कार जी, हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत भाई आपका। हाँ, मैं उस दिन आपको फोन किया लेकिन अधूरी बात हो गई। मुझे दो तीन प्रॉब्लम है सर। जी ये एक तो मेरा पेट का प्रॉब्लम है, गैस बंद के रहता, पेट साफ नहीं होता और पेट साफ नहीं होता और मुझे डाल के निकालना पड़ता और आव आता है, इतना मन आता है। और दूसरी बात है मेरी 3, 3, 4, 5, 6, 7 जो है सर्वाइकल प्रॉब्लम है और कमर में दर्द, पाँव में दर्द, पूरा बदिर रहते, पैर चलना नहीं होता। इसके लिए मैंने आपसे चिया गोंद, जैतून नमक बुलाया हूँ, खा रहा हूँ और मेरे को सी केयर भी दिया, यस केयर भी दिया है, वो भी खा रहा हूँ और टी केयर भी भेजा है। तो टी केयर आप मत को खाओ करके टीवी पे बताते हैं, उन्होंने टी केयर खाने को भी बोला है, यस केयर खाने को भी बोला है और पी केयर पेट के लिए भी दिया है। तो पी केयर आने का है अभी, तो कैसा खाना, क्या करना, तबीयत कैसी है? कंफ्यूज आपने शुरू कर दिया क्या? हो रहे। हाँ, चालू कर दें सर। कुछ फायदा शुरू हो गया? कब से खा रहे हैं? अभी 16-17 दिन हो रहे तो मेरे को थोड़ा दर्द बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है। सर। हाँ, दर्द जो बढ़ गया है उसके लिए 5 दिन तक दर्द की दवा खा लें इसके साथ ही, और ये तीनों दवाएं एक साथ ना खाएं, एस केयर, टी केयर और गौनसिया। एक वक्त में एस केयर खाएं, एक वक्त में टी केयर खाएं, एक वक्त में गौनसिया खाएं। गौनसिया आधा ग्राम खाते हैं, और 5 दिन दर्द की दवा साथ में ज़रूर लें। पी केयर आप ले रहे हैं तो पी केयर आपके पेट के सिस्टम को अच्छा कर सकता है, और थोड़ा सा सब्र और कर लें, अगले 6 दिन में आपको अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा। वज़न उठाना बिल्कुल मना है आपका। वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, भगवान से मदद मांगें। जितना कुछ आपके पास है दवाओं में, यही सब ख़त्म होने से पहले आपको तंदुरुस्त करने की ताकत रखता है। जी, एमपी से हैं रोशन जोगी जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्कार नमस्कार सर। मैम। ये पेट में एक साइड मेरे को तकलीफ होती है। ये कौन सी साइड है? दाएं साइड होती है, दाएं सीधी तरफ तरफ। या नीचे की तरफ? हाँ, नीचे कमर के बाजू में नीचे ऊपर थे, बाएं साइड होती है। आप महीने भर करीबन हो गया है। अच्छा, ये दर्द कभी कमर की तरफ भी जाता है पेट से? नहीं, कमर के तरफ नहीं है साहब, एक ही साइड रहता है, ठीक है, ठीक है, जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहीं पर रहता है। ठीक है, ठीक ठीक है है। जी। हाँ, पानी पीजिए रोज़ाना 2.5 या 3 लीटर, 2-3 बोतलें भर के रख लें, अंदाज़ा भी रहेगा कि आपने कितना पानी पिया। 24 घंटे में 2.5 लीटर कम से कम पानी, ये 3 लीटर पीजिए। हो सकता है बगैर दवा के ही आप ठीक हो जाए। पानी गर्म पियेंगे तो और भी फायदा करता है, और अगर फिर भी फायदा ना हो तो सौंफ धनिया और मेथी का दाना, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर इसका आप चूर्ण बना के रख लें, और एक चुटकी, एक आता है नमक जैतून, ये नमकीन नहीं होता स्वाद में, तो इसकी पहचान ये है कि ये दिखता नमक जैसा है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिलाएं। इस पानी से इन 3 चीज़ों का सफ़ूफ, यानी सौंफ, धनिया और मेथी का दाने का पाउडर 1 चम्मच खा के दिन में 1 बार या 2 बार पानी पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तो जो बेहतर सलाह थी आप तक पहुंचा दी हकीम साहब ने, नुस्खा अपनाइए और फ़ायदा उठाइए। जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी की खिदमत में हाजिर हैं हकीम साहब। तो बस आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं।
हकीम साहब, आप जितने गौंद बताते हैं, चाहे वो मोरिंगा हो, चिलगोजा हो, जामुन हो या गौंद सिया हो, अगर हम इन्हें खाली पेट लेते हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद होते हैं या फिर खाना खाने के बाद इनका असर और अच्छा होता है? सबकी अलग अलग माहियत है, कैफियत है। गौंद सिया खाने के बाद लेना बेहतर है। कुछ दवाइयों के असरात जब फ़ायदा करते हैं ज़्यादा, जब हमारे पेट में पहले से कुछ खुराक जा चुकी हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको खाली पेट लेने में फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो मैं जब भी कोई नुस्खा बताता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि आप खाली पेट लें या खाने के बाद लें, उसी तौर पर लेने से जिस तरह से आपको कोई हकीम बताता है ये डॉक्टर बताता है, उसी प्रकार लेने से आपको ज्यादा फायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं दिनेश यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार सर। मैं अभी देख रहा हूँ साधना में देख ही रहा हूँ हकीम साहब को। जी बात कर लीजिए सर से, बताइए सवाल करिए। नमस्कार जी हकीम साहब जी। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। मैं मधेपुरा जिला बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरी मिसेज को, मेरे लड़कियों को, दोनों को परेशानी है लेकिंग में। लेकिंग टाइम से जाता नहीं है, दो दिन तीन दिन पे एक बार जाता है। ठीक है, देखिए बिहार वालों, ये रोग देखने में बहुत मामूली लगता है। अगर लैट्रिन की समस्या किसी को हो तो देखने में आदमी सोचता है कि लैट्रिन ही तो नहीं हुई और क्या, अब नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। लेकिन ये रोग की बीमारियों की शुरुआत है। तो इसके लिए, दोनों के लिए एक नुस्खा जो बहुत कामयाब, बहुत अनुभवी और बहुत प्रचलित है, अच्छे घरों में तो ये नुस्खा बना के घर में रखते हैं, तो लिख लें आप और फ़ायदा उठाएं। देखिए, सौंफ और सौंठ और ज़ीरा, तीन चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती ही है, हर गृहिणी के घर में ये होता ही है जो मैं बता रहा हूँ। सौंफ, सौंठ और ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये किचन में मिलते ही है। तो ये छह चीज़ें लीजिए। एक बार और बोल देता हूँ, कभी आप लिखने से रह गए हों, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, इन छह चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, चूर्ण बना के रख लें। अब एक चीज़ है जो असली लेनी है, वो नकली भी मिलती है, उसको कहते हैं नमक जैतून। ये नमक जैतून दुनिया का एक विशेष नमक है जो देखने में नमक जैसा लगता है और स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन ये दुनिया का सबसे विशेष नमक है। एक चुटकी ये लें, ये नमक जैतून भी आप ले लें, 100 ग्राम अलग रखें, मिलाए नहीं, और एक चुटकी में जितना आए एक या दो गिलास पानी मिलाकर ये छह चीज़ों का चूर्ण एक चम्मच खाकर पानी पी लें। देखिए ये नुस्खा आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करता है, पेट के, अगर कब्ज़ है तो उसको तोड़ देता है, अगर वर्म है, स्वेलिंग हो जाती है तो उसको अच्छा करता है, अगर लीवर सही काम नहीं कर रहा उसकी वजह से ये तकलीफ़ है तो उसको दुरुस्त करता है, अगर किडनी में इन्फेक्शन है या पेट में इन्फेक्शन है तो ये उसको भी ठीक करता है। फिर आपका हाजमा, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन सब रोगों को एक साथ आपसे दूर करता है। ये दुनिया का एक अच्छा नुस्खा कहलाता है, ज़रूर लिया करें और इसे सेहतमंद लोग भी ले सकते हैं। जी, तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई अदर क्वेरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सक्सेना जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे? बहुत बहुत आदाब। आदाब, जय हिंद, स्वागत भाई आपका। सर मैं, मेरी एज 80 के करीब हो रही है और पैंक्रियाज में मेरे को पथरी बताई है। हेलो जी। जी
मुझे और हम इस एज में वो कहते हैं इसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज है नहीं, इसको निकाल देंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। दर्द अभी तक हुआ नहीं है जब से है, तो अब क्या करें समझ में नहीं आता, कभी दर्द होगा तो क्या होगा, कहते बहुत तेज दर्द होता है। कितना बड़ी तो, बताइए पथरी? 5 mm की बोली उन्होंने। ठीक है, हाँ देखिए कोशिश कर लीजिए, एक नुस्खा 5 दिन लें, पथरी अभी छोटी है शायद निकल जाए, बड़ी पथरियाँ निकलना मुश्किल होता है, तो एक नुस्खा आप नोट कर लें, और वो नुस्खा ये है कि असली जैतून का सिरका और असली जैतून का तेल। तो देखिए नकली की भरमार है, जहाँ से दे देंगे वो नकली दे देंगे, आप तो पहचान नहीं पाएंगे, तो असली लेना ज़रूरी है। असली जैतून का सिरका, असली जैतून का तेल, 3 चम्मच जैतून का सिरका, 3 चम्मच जैतून का तेल 2 गिलास पानी में मिला दें और इसको आप पी लें सुबह निहार मुँह, बस एक खुराक, और ये खुराक आप सिर्फ 5 दिन तक ले सकते हैं। अगर उस पथरी को निकलना होगा तो किसी भी दिन निकल सकती है, 1 दिन में भी निकल सकती है, 5 दिन में भी, आप इसे कोशिश कर लें, नहीं तो फिर आखिरी इलाज तो ऑपरेशन ही होता है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ MP से रुद्र प्रताप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी, मैं मानसिक रूप से ग्रसित हूँ। मानसिक परेशानी से? जी हाँ, 30 साल पहले मेरी माताराम का हार्ट फेल हो गया था, जब से नींद और भूख की परेशानी है। एज कितनी आपकी? 51 वर्ष। ठीक है जी। हाँ देखिए मानसिक रोग से पीड़ित है, लेकिन समझदार बहुत हैं आप, बहुत ठहराव है आपकी बातचीत में। मानसिक रोगी इतने ठहराव से बात नहीं करते, पढ़े लिखे भी हैं आप, समझदार भी हैं, और आपका रोग ठीक हो सकता है। तो याद रखें कि 2 चीज़ें, बल्कि 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आप लें। खशखाश आपके किचन में होती है, खशखाश 100-200 ग्राम खशखाश, जितनी खशखाश लें उतना ही धनिया, उतनी ही सौंफ, खशखाश धनिया और सौंफ 100-100 ग्राम ले लें, 300 ग्राम हो जाएगी, इसको साफ सूफ करें और इसका बारीक पाउडर यानी चूर्ण बना के रख लें, खशखाश धनिया और सौंफ, और इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लिया करें, और एक आता है नमक जैतून, ये असली लेना है, नकली 100% मिलता है, ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है और देखने में बिल्कुल नमक जैसा लगता है, तो ये मानसिक रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिला दें या 2 गिलास पानी में, और इस पानी से ये जो 3 चीज़ों का पाउडर, खशखाश धनिया और सौंफ, चम्मच भर के खाएं, चाहें तो इसमें आप अपनी पसंद के शक्कर भी मिला सकते हैं, मीठा भी कर सकते हैं, 100 ग्राम शक्कर भी मिला लें तो कोई बुराई नहीं है, अगर शुगर नहीं है तो। 1 चम्मच भर के खाएं खाली पेट और ये पानी पी लें, नमक जैतून असली ज़रूर लें, नकली बहुत मिलता है, पानी मिला के इससे खाया करें दिन 2 बार, एक तो सुबह को और एक रात को सोते समय, आपकी सारी परेशानी में फ़ायदा होना मुमकिन है जी। बनारस से हैं योगेंद्र प्रसाद जी, स्वागत है आपका। हाँ सर नमस्ते जी। जय हिंद प्रसाद साहब। करना है जी। हेलो, अरे बनारस से बोल रहे हैं योगेंद्र प्रसाद जी, हकीम साहब से बात कर जी, बात हो रही है, बनारस वालों आपका बहुत स्वागत। हाँ सर नमस्ते। जय हिंद बनारस वालों के लिए सलाम।
दवा मंगाया हूँ आप यहाँ से, वो गोंद सिया मंगाए हैं, जैतून मंगाए हैं, और इसके बाद वो जो है कैप्सूल भी मंगाए हैं। हेलो सर। जी जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। कब मंगाए हैं, कितने दिन से खा रहे हैं, कितना फायदा है? फायदा तो है, आराम है, बहुत आराम। 15 दिन अभी खाए हैं तो आराम है, बहुत आराम है, ठीक लग रहा है, पहले से ठीक है, बहुत ठीक है। वैसे मैंने बहुत इंग्लिश दवा खाए है, जांच कराए है, सब तमाम किए, बहुत काफी किए है। उसके बाद जो है MRI कराए, सब जो है ये है। तो मेरी वाइफ को भी इसी तरह का दिक्कत है, कमर में दर्द है। तो जो दवा मंगाए हैं हम तो खा रहे हैं, वाइफ को मंगाना है थोड़ा सा, उसके लिए भी ये सोच रहे हैं कि मंगा दें। तो ये इसके लिए ये दवा चलेगा, ये जो तीनों दवा जो मंगाए हैं उसके लिए चलेगा ये दवा जो है? उसको भी कमर में तकलीफ है बहुत ज्यादा जो है, और इसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस का भी दिक्कत है जो है, इस तरह का ये जो है। ठीक है, ठीक है जी। और देखिए बनारस वालों, आप बहुत समझदार हैं, और क्या इलाज नहीं किया आपने, जांच क्या नहीं कराई। और देखिए भगवान ने जो फायदा दिया जिस दवा से, उसमें मेरा मशवरा शामिल था, फायदा भगवान ने ही दिया। अब ये नुस्खे को आप लिख कर समझ कर रखें अपने पास, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत पूजा पाठ और दीनदारी और जिस जहाँ पर इतनी सब ज़्यादा ये होती है, वहाँ पर रोगी भी बहुत होते हैं, और रोगी आते हैं अपने दूर दराज से अपने वहाँ दर्शन करने। तो ये नुस्खा आपने यूज़ किया, 15 दिन में फ़ायदा नज़र आया। सेम नुस्खा आप अपनी पत्नी मोहतरमा को भी दे सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा, देखो इतनी जिम्मेदारी संभाल लें आप बनारस की, कि बनारस में कोई इन रोगों से पीड़ित आदमी ना हो। जहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं इन नुस्खों को पहुंचा दीजिए। ये दुनिया के विशेष नुस्खे हैं जो हमारे घरों से दूर थे। मैंने कोशिश की कि मैं आपके घर तक पहुंचा पाया। मैं हर घर तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं तमाम लोगों से जो जिनके घर तक मैं पहुंचा हूं और जिन लोगों ने मेरे मशवरे से फ़ायदा उठाया है, मैं उनसे निवेदन करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि इन नुस्खों को आप अपने आगे वाले घरों तक पहुंचा दें। इतनी तकलीफ में हैं लोग, जिस तकलीफ में आप थे या आपकी पत्नी हैं, ये घर घर की तकलीफ है। घर घर तक ये नुस्खे पहुंचाइए, और सेम नुस्खा अपनी पत्नी को भी खिलाइए, और सिरका भी उन्हें खिलाएंगे तो उनको डायबिटीज़ में भी फ़ायदा मुमकिन है।